वेलकम बैक यूट्यूब टू आवर स्टोरी टाइम विद माय बॉय विगी विगी ले बिस्किट खा। सो आज का स्टोरी टाइम होएगा द डे आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय बॉय विगू। विगी तू सुनाएगा स्टोरी टाइम, तू सुनाएगा। खैर जो भी बोलता है वो मुझे समझ आता है तो मैं सुनाता हूँ इसका स्टोरी टाइम क्या हुआ था। तो मैं थोड़ा विकी का रूटीन बता देता हूँ सैटरडे संडे का। होता क्या है, विकी को ना पार्क में खेलना कूदना बहुत पसंद है एंड इसको बिस्किट खाने भी बहुत पसंद है। तो पापा जी इसको सैटरडे संडे ना रोज पार्क में लेकर जाते हैं एंड ये खूब दौड़ता है उधर, खूब खेलता है एंड इसको खुदाई करना बहुत पसंद है। मतलब लिटरली जो कुत्ते खोदते हैं ना जमीन, इसको बहुत पसंद है। ये इसका सैटरडे संडे का रूटीन है। थोड़ा मैं कुत्तों के बारे में बता देता हूँ। ये विकी एक स्ट्रीट डॉग है। तो स्ट्रीट डॉग का क्या सीन होता है, जैसे स्ट्रीट डॉग अगर आपके आसपास गली होंगी तो आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग के ना इलाके बटे रहते हैं। मतलब अगर कोई स्ट्रीट डॉग दूसरों के इलाके में जाता है ना, वहाँ लड़ाई हो जाती है, दूसरे पे वो भोंकते हैं, मतलब यू नो लड़ते हैं वो एक दूसरे से। तो विकी का क्या सीन है, जब भी मैं विकी को बाहर लेके जाता हूँ ना, सारे स्ट्रीट डॉग विकी पे भोंकते ही हैं। तो देखें, एक तो विकी स्ट्रीट डॉग है, ठीक है, एंड ऊपर से ये एक पालतू कुत्ते की तरह रहता है। तो जितना मुझे लगता है कुत्तों में होता है कि साला मस्त जिंदगी जी रहा है, हम तो जी नहीं रहे, तो वो सीन होता है। एंड मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ बिना विकी के और वो स्ट्रीट डॉग विकी का दुश्मन है, तो साला मेरे पे अटैक कर देता है। बेटा खिला रहा हूँ आपको, ढंग से खाए से। तो वो स्ट्रीट डॉग ना मेरे पे अटैक कर देता है। होता क्या है, मेरे को भी ना लठ लेके जाना पड़ता है। अगर मैं लिटरली भाई बता रहा हूँ, अगर मैं पनीर लेने जा रहा हूँ अकेला, मेरे को लठ लेके जाना पड़ता है कि कोई स्ट्रीट डॉग मेरे पे अटैक ना कर दे, क्योंकि मैं विगी का ओनर हूँ और मैं इसको घुमाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस दिन का सीन क्या हुआ, पापा जी विगी को लेके गए पार्क सैटरडे संडे एंड विगी वही अपना वही पौधों को पानी देना एंड दौड़ना, खूब दौड़ना। विगी को दौड़ना लिटरली बहुत पसंद है एंड फिर खुदाई करना मिट्टी में। बट विगी को इन तीन चीज के अलावा एक और चीज बहुत पसंद है, वो है हस्की। विगी नॉर्मली किसी लड़की को भाव नहीं देता, मतलब एक फीमेल डॉग को भाव नहीं देता, बट जब विगी को दिखती है हस्की, विगी बावला हो जाता है। लिटरली विगी बावला हो जाता है। जब मैं विगी को रात को भी घुमाने लेके जाता हूँ ना, वहां एक हस्की आती है, जैसे विगी उसे देखता है ना, विगी तन के खड़ा होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को देख, मेरे को अटेंशन दे। एंड वो विगी के साथ खेलती है। मतलब विगी के लिए हस्की जैसे हमारे लिए रशियन है ना, वैसा सीन है, ठीक है। तो विगी को वहां दिख गई हस्की पार्क में एंड वो उसके पीछे, ए साले दे रहा हूं ना, मुंह मार ले पूरा, आराम से बेटा आराम से खा। एंड विगी को वहां दिख गई हस्की, विगी ने उसके पीछे भाग लिया। यार कुत्ता है वो चार पैर पे भागता है, पापा जी उसे चेस नहीं कर पाए, विगी मतलब लॉस्ट हो गया। पापा जी को विगी मिला नहीं कि गया कहां साला, हस्की के पीछे भागा था। पापा जी वहां हो गए होंगे पैनिक। पापा जी ने ना मम्मी को फोन करा। उस टाइम ना मैं और वैबी एक ही रूम में रहते थे, मतलब वैबी का अलग बेड था, मेरा अलग बेड था, रूम एक था। अगर तुम्हें याद हो डैडी व्यू पे जब जब वैबी का रेड बैकग्राउंड है ना, तो जब मैं और वैबी एक ही रूम में थे, तो उस टाइम क्या हुआ, मम्मी हमें उठाने आ रही थी। सैटरडे का टाइम था, सैटरडे में और वैबी थोड़ा लेट जिम जाते हैं मॉर्निंग, उस टाइम वैबी भी मॉर्निंग में जिम जाता था। तो मम्मी हमें उठाने आ रही होंगी एंड पापा जी का फोन आया, तो मम्मी ने हमारे कमरे में फोन अटेंड करा। जब पापा जी ने मम्मी को बताया कि विकी घूम गया है, मुझे मिल नहीं रहा, मम्मी चिल्ला पड़ी, मेरा बच्चा घूम गया। मम्मी फुल पैनिक में। एंड वो चीज ना मैंने सुन ली, बच्चा घूम गया, मैं उठा चिल्लाते वैबी, इतने वैबी उठ गया। मैं चिल्ला रहा वैबी क्या हो गया, वैबी को, वैबी कह रहा भाई मैं तो यही हूँ, क्या हो गया। मेरे को मम्मी कह रही है कि बच्चा घूम गया, तब मम्मी कह रही विकी घूम गया है। और भाई मम्मी फुल इमोशनल, मम्मी की मतलब आंख गीली हो रखी, उनके आंसू आ रहे कि विकी घूम गया है। उस दिन लाइफ में पहली बार मैं और वैबी बिना ब्रश करे मुंह धोए स्कूटी की चाबी ली और हम भाग रहे घर से कि पिल्ले को ढूंढना है। हमने देखा भाई साहब बैठे हैं मेन गेट पे चुपचाप। क्यों बैठा था उस दिन मेन गेट पे चुपचाप, हूं नहीं क्यों बैठा, तू बता सकता था ना, मैं घर आ गया हूं, तूने मेन गेट पे क्यों नहीं मारा ऐसे पंजे, क्यों चुपचाप बैठा मेन गेट पे। और जैसे हमने खोला मेन गेट, भाई पिल्ला कूदा घर में और घर में ना कूद गया ऐसे लेट पड़ा, इसका पूरा पैर छिला पड़ा था। हमने पापा जी को फोन करा कि पापा जी विकी तो घर पे आ गया है। भाई पापा जी दौड़ते हुए घर, पापा जी भी फुल पैनिक मोड में थे। तो पापा जी ना मतलब विकी को बहुत प्यार करते हैं घर में, अगर सबसे ज्यादा विकी को भी प्यार करता है ना पापा जी, एंड विकी घर में सबसे ज्यादा किसी को प्यार करता है तो है मम्मी। विकी डिनर करता है रोज 8 बजे। तो पापा जी ना जब ऑफिस से आते हैं, पापा जी से खिलाते हैं डिनर, पता है कैसे खिलाते हैं, रोटी तोड़ी या छोटे बच्चों नहीं खिलाते, कसोरे में पेडिग्री भरी इसके मुंह में डाली, ये अपना ऐसे बैठ जाता चुपचाप जैसे अभी बैठा, ऐसे इसको खिलाया, फिर इसको एक चम्मच दही खिलाई, फिर इसको ऐसे खीरा डाला, गाजर डाली, लिटरली छोटे बच्चे की तरह खाना खिला दें पापा जी। पापा जी उस दिन बहुत पैनिक पे थे कि विकी नहीं मिल रहा। जब पापा जी को पता चला, आए पापा जी, पापा जी ने इसे छोड़ा ही नहीं, ऐसे गले से लगा रखा था कम से कम 2-3 मिनट तक। एंड मम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी उस दिन की पिल्ला मिल गया, पिल्ला मिल गया।
सीन क्या था, मम्मी ना पहले थोड़ी अगेंस्ट थी कुत्ता पालने की, उनको ये था कि कुत्ते को कौन घुमाएगा, कौन रखेगा, वो घर पे कुछ करेगा तो कैसे कैसे होगा। एंड मम्मी भी उस टाइम राइट थी क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ना कि कुत्ते को रखते कैसे हैं, ठीक है। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैं तुम्हें ना चीज दिखा दूं, तुम्हें देखो तो मेरी फिंगर में ना मिडल फिंगर में चोट लगी हुई है, एंड ऐसी सेम चोट मेरे बैक में भी है। ये पूरा ना इस पिल्ले ने हराम खोर यहाँ से ना यहाँ से पूरा फाड़ दिया था खेलते वक्त, और बैक में भी दांत गाड़ दिया था, अभी भी रिकवरी नहीं हुई मेरी। और ये मुझे पीट के ना मम्मी के पीछे छुप गया। ये इसका काम क्या है, ये वैबी से लड़े, ये पापा जी से लड़े, मेरे से लड़े, जैसे से पता चल गया मैं पिटने वाला हूँ और मैंने कांड कर दिया, ये चुपचाप जाता है किचन में और मम्मी के पैरों के पीछे छुप जाता है। और फिर मजाल ले कोई पिल्ले को छूके दिखा दे साले, भाई मस्त जिंदगी जी रहा है कुत्ता, पनीर दूध अब बिस्किट खा रहा है, ये होती है जिंदगी। और हम जॉब पे घिस रहे हैं, यूट्यूब पे घिस रहे हैं, मबोए मसन हूं नहीं, दिखा आंख में क्या हुआ तेरी, मबोए मैं प्यारा बोए। तो फिर विकी जब घर पे, हमने देखा विकी के ना पैर में, मतलब इसके जो राइट लेग है, राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट लेग नहीं राइट लेग, ये ऐसे नहीं लेफ्ट लेग ये ऐसे पड़ा हुआ था ना, पूरी छिली पड़ी थी लेफ्ट लेग। देखो यार पार्क हमारे घर से ना बहुत दूर है लिटरली, एंड पार्क जाने के लिए आपको सबवे क्रॉस करना पड़ता है, मेन रोड भी क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके पार्क आता है। वो राज आज भी राज है कि विकी पार्क से घर आया कैसे, आई मीन मुझे नहीं पता भाई, विकी पिटा हुआ था इसका मतलब ये जब पार्क में भगा उस हस्की के पीछे, वो इसको मिली नहीं और ये किसी और कुत्ते से भिड़ा और ये पिटा हुआ है, ठीक है। विकी को ना हम रोड पे अकेला छोड़ते भी नहीं यार, विकी को जब मैं घुमाता हूँ ना, विकी मेरी लेफ्ट साइड चलता है, जैसे मैं जा रहा हूँ तो विकी हमेशा लेफ्ट साइड चलता है, क्योंकि इसको रोड पे चलना नहीं आता है, हमने कभी इसको खुला छोड़ा ही नहीं रोड पे, जब भी 31 डेज का था हम इसे घर ले आए थे, तो इसको मतलब ये इतना वो नहीं है कि दूसरे कुत्तों के साथ कैसे खेलना है क्या करना है, ये मतलब काइंड ऑफ ये इंसान ही है। अब तू इंसान है विकी, तू इंसान है बेटा या तू डॉग है, हैं हूं नहीं बॉय, पटाखा बजाने देख अब बेटे, ये बेटे गुस्सा आ गया साले, भाई लिटरली समझ नहीं आ रहा इसको, इस साले से रोड क्रॉस भी नहीं होती अकेला। मेरे को पता है अगर मैं अपने कुत्ते को खाली छोड़ दूं ना, बोल लूं जा रोड क्रॉस कर ले, गाड़ी से ठुक जाएगा, ये मतलब चांसेस हैं यार, क्योंकि विकी को हमने ना एक बच्चे से भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार से पाला है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ते खुला, एंड घर पे रहता है खुला, एंड बाहर इसको मतलब बहुत ज्यादा देखभाल होती है इसकी। तो घर पे बीटाडीन थी, सोफ्रामाइसिन थी, पापा जी ने पहले इसके पूरे पैर की पट्टी करी, पापा जी ने ना आके पूजा करी थी कि थैंक यू राम जी आपने मतलब विकी को मिलवा दिया वापस। पापा जी को मैंने इतना पैनिक ना कभी नहीं देखा था, मतलब वो विकी के लिए ना ऐसे हो गए थे कहाँ गया मेरा पिल्ला कहाँ गया, एंड मम्मी भी तो ठीक है पिल्ला मिला हम भी खुश थे। फिर पिल्ले को हम ले गए हॉस्पिटल, पिल्ला ना हॉस्पिटल नहीं जाता है, पिल्ला क्या करता है अपने नखून गाड़ लेगा रोड में और ना ऐसे पूरा पूरा जोर लगाएगा मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ, मुझे ए क्या कर रहा है मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ। बट जैसे तैसे साले को हॉस्पिटल ले गए क्योंकि इंजेक्शन लगने थे कुत्ते ने काटा था दूसरे, एंड ये क्या करता है जब ये हॉस्पिटल पहुंच गया तो हॉस्पिटल में ना वो वैन सी पड़ी रहती है, वैन कह रहा हूँ सॉरी वो टेबल सी पड़ी जाती है जहाँ पे कुत्ते बैठते हैं, ये सबसे लड़ता है जाते ही सबको भूकेगा, वही भूक के दिखा मबोए एंड हॉस्पिटल का स्टाफ भी इससे डरता है क्योंकि जिस हॉस्पिटल में जब विकी हम घर लाए थे 31 डेज का था हम उसी हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहीं इसकी एंट्री हो रखी है कि इसका नाम क्या है पूरा सब कुछ वहीं है, इसको इंजेक्शन भी वहीं लगते हैं हर बार, अबे लेने तो दे मुझे बिस्किट, ठीक है। तो विकी का ये मतलब विकी का हॉस्पिटल स्टाफ भी इससे डरता है क्योंकि ये काटता है, ये लिटरली सामने वाले को काटता है, अगर कोई अननोन वाला हो ये लिटरली उस पर अटैक कर देता है, तो उन पे ना वो नहीं था जो कुत्ते के मुंह पे डालते हैं ना कि काटे ना, पापा जी ने इसको पकड़ा यहाँ पे इसके पीछे इंजेक्शन लगने थे, एंड मैं लिटरली इसका मुंह ऐसे पकड़ के बैठा हूँ, मतलब इतना था कि ये सांस ले सके बट ये काटे ना, इसको इंजेक्शन लगे वहां इसकी मरम पट्टी हुई। विकी को लिटरली 1 मंथ लग गया था रिकवर होने में, ये 3 टांगों पे चलता था, इसकी चौथी टांग है उससे ना लंगड़ाते हुए चलता था, 1 मंथ लग गया था इस साले को रिकवर होने में। क्यों भागा तू हस्की के पीछे, क्यों वाई क्यों हूं नहीं आंसर दिया कर, हूं करता है बस, बदमोश कुत्ता पटाखा बजाने दे यार पटाखे। विकी ऐसे ही है यार थोड़ा, मतलब ये ना बहुत शरारती बच्चा है बहुत ज्यादा, जैसे बैठ ये क्या करता है, अभी हम बेड पे बैठे हैं, जैसे ये ना मतलब थोड़ा वो नहीं होते उधम मचाने वाले, जैसे मैं कभी सोफे बैठ के इसको छेड़ रहा हूँ, सोफा है उधर,
ये क्या करेगा, बेड से कूद जाएगा मेरे पे, सोफे पे मैं और ये लगेंगे पूरा, मेरा सर लगेगा खिड़की पे। एंड ये विगी, नहीं बेटा कान, बेटा कान में ऐसे नहीं करते। नहीं विगी, खून आता है फिर कान से। विगी नहीं बेटा मैं करता हूँ। वह भी जैसे फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। एंड मैं जब सोता हूँ ना, मैं कमरा खोल के सोता हूँ, अभी मैं एसी वेसी नहीं चला रहा, इसको एसी में सोना पसंद है। और वह भी फोर्थ फ्लोर पे है तो वहां ज्यादा गर्मी होती है, वहां एसी चलता है। ये क्या करेगा, रात को गेट में ऐसी बंद करता हूँ, कुंडली लगाता, ये मेरे साथ होता है, इन्हें नाक मारेगा गेट पे पहले धूम धूम, और गेट खोल लेगा, पूरा गेट खोलेगा और ऊपर भाग जाएगा, और वह भी के गेट पे जाके पंजे मारेगा कि अंदर ले ले मुझे, मुझे यहाँ सोना है एसी में। तो ये था स्टोरी टाइम, द डे आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई डॉग, एंड आई एम हैप्पी कि विकी हमारे साथ है। उस दिन यार लिटरली मैंने भी काइंड ऑफ अंदर से होप खो दी थी, क्योंकि तुम्हें पता है एक बार कुत्ता मिल जाए साले दिखते भी एक जैसे, ना मिले मिले किसी दे, किसी दे इधर, किसी दे। सो मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहता हूँ, अगर ये कोई लड़की वीडियो देख रही है तो आप यहाँ बंद कर सकते हो, क्योंकि ये मोरल ऑफ द स्टोरी लड़कों के लिए है। भाई ध्यान से सुनना, इसका चक्कर ना सबसे बेकार होता है। क्या जरूरत है इसको हस्की के पीछे जाने की? क्यों गए हस्की के पीछे? क्योंकि इसको चाहिए थी, इसको चाहिए थी, तभी तो भागा हस्की के पीछे और गुम गया और पिट के आया। कहाँ जा रहा है विगी? विगी बाय बाय करो सबको, कम ऑन बॉय। क्यों क्यों तू गुस्सा करता है मेरे को? मैं नया कुत्ता ले आऊंगा विगी, मैं जर्मन शेफर्ड ले आऊंगा, फिर साले पीटेगा तुझे वो 6 महीने का होते ही, फिर गुस्सा कर रही है तू। मबूए मजाक करो बेटा, मजाक नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा मबूए प्यारा, मैं और बिस्किट ला रहा हूँ यहीं पे रह। अगर तुम्हें एक स्टोरी टाइम चाहिए, व्हाई वी अडॉप्टेड विगी, व्हाई वी अडॉप्टेड स्ट्रीट डॉग, हम तो जर्मन शेफर्ड ही पाल सकते थे, हम तो लैब्रा भी पाल सकते थे, हम तो हस्की भी पाल सकते थे, व्हाई विगी, तो बताना, बनाऊंगा जरूर। एंड तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ, हमें ना रिलेटिव से एंड बहुत लोगों से बहुत बैक स्ट्रेस मिलता है कि तुमने तो एक गली का कुत्ता पाल लिया। एंड औरतें कहाँ हैं?